नमस्कार, मैं हूं अंशुमान और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भारत सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड प्लस सिक्योरिटी दी है। सूत्रों के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के खुफिया रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने मंगलवार को उनकी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक CRPF के 40 से 45 जवानों की टुकड़ी अब 24 घंटे इलेक्शन कमीशन के चीफ राजीव कुमार की सुरक्षा में तैनात रहेगी। दिल्ली से बाहर जाने के दौरान भी उनकी सुरक्षा में ये सशस्त्र कमांडो साथ रहेंगे। 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव शुरू होने से ठीक पहले गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक राजनीतिक दलों के हालिया प्रदर्शन और विदेशों से मिल रही धमकियों को देखते हुए राजीव कुमार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि राजीव कुमार 1984 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। उन्होंने 15 मई 2022 को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्हें 1 सितंबर 2020 को चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। कैमरामैन अरुण के साथ अंशुमान, लिली न्यूज, लखनऊ।